नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पारिक। आज आप सभी के बीच में मैं कविवर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता वरदान मांगूंगा नहीं लेकर आया हूं। इससे पहले यह कविता आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत करूं, मुझे भगवद गीता का एक श्लोक स्मरण हो आता है। यह भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, स्थित प्रज्ञ क्या है, क्या विशेषताएं होती है एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य की। और उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो मनुष्य दुख में दुखी ना हो, जीवन में आई प्रसन्नता उसे अपने लक्ष्य से पदच्युत ना कर सके, ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ होता है, क्योंकि ऐसा मनुष्य ही आसक्ति से रहित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि जीवन में हार मिले चाहे जीत मिले, जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, हमें परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए। और यही कविता का मर्म है, यही कविता का सार है कि ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हम अक्सर क्षणिक हार से इतने विचलित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि ये क्षणिक हार आज आई है तो कल जीत भी आएगी, कल विजयश्री भी होगी, और अंतिम लक्ष्य तक जो जीतेगा, अंतिम लक्ष्य तक जो पहुंचेगा, वही अंत में विजयी होगा। मैंने राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपको सुनाया भी था, आज पुनः वो शेर स्मरण होता हो आता है कि तेरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। वही बात है कि हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए, ये जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अमिताभ बच्चन जी ने एक बात बताई कि जब वो छोटे थे, शेरवुड कॉलेज में, शेरवुड स्कूल में जब पढ़ा करते थे, तो एक नाटक हुआ करता था वहां पे सालाना, जो एनुअल फंक्शन होता था, और उसमें मुख्य भूमिका निभाने के लिए अमिताभ जी का चयन हुआ। और जिस दिन उस नाटक का मंचन होना था, उसके ठीक एक दिन पहले अमिताभ जी को मिजल्स हो गए। चेचक जैसी बीमारी होती है, शरीर में दाने दाने उभर आते हैं, हम सभी जानते हैं। और बीमार हो गए, बुखार में तप रहे थे, और जो विद्यालय प्रशासन था, उनके शिक्षकों ने कहा कि अब तुम इस नाटक में भाग नहीं ले सकते। स्कूल का ही एक हॉस्पिटल था, ये बात खुद बच्चन साहब बताते हैं, स्कूल का एक हॉस्पिटल था, और वहां पर बेड पर वो लेटे हुए थे, और जिस वक्त नाटक का मंचन हो रहा था, रो रहे थे, क्योंकि उन्हें वो सब सुनाई दे रहा था हॉस्पिटल के बेड पर जब वो लेटे हुए थे वहां से। ये बात स्कूल के प्रशासन ने एक दो दिन पहले जब वो बीमार हुए, ये बात उनके परिवार में भी बता दी थी। वहां से हरिवंश राय बच्चन साहब बस पकड़ के या निजी वाहन से स्कूल पहुंचे। तो जिस वक्त वो नाटक का मंचन चल रहा था, अमिताभ अपने बिस्तर पर रो रहे थे, उस वक्त उनके पिता श्रीमान हरिवंश राय बच्चन उस हॉस्पिटल के कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर अमिताभ जी और फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और एक बात कही कि मन का हो तो अच्छा है, मन का ना हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जो आपके मन का नहीं हो रहा, वो ईश्वर के मन का हो रहा है। यही बात हमें भी अपने जीवन में ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या हार में क्या जीत में। जो हार है, जीत है, वो सब नियति की देन है। कोई भी परमानेंट नहीं है, कोई भी स्थाई नहीं है, सब अस्थाई है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता न मेरी अब छुओ, तुम ही महान बने रहो, लघुता न मेरी अब छुओ, तुम ही महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस कविता को सुना। इस कविता को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, साझा कीजिएगा। मैं लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी कविता में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।